हरे कृष्णा। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को राधे राधे। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करेंगे, शेयर करना चाहती हूँ जस्ट आप लोगों से। तो ब्लॉग शुरू करते हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि माता जी सुख कहाँ मिलेगा, तो मुझे भी लगा हाँ ये बात तो सही है, तो ब्लॉग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सुख कहाँ मिलेगा। ब्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोग को पता है मैं हर संडे मंदिर जाती हूँ, जूं स्कॉन श्री श्री राधा रास बिहारी टेम्पल में। तो हम यहाँ से लोकल ट्रेन मतलब मेट्रो में बैठते हैं, वहाँ से हम उतरते हैं, फिर हम ऑटो करके चले जाते हैं, 40-50 रुपये में पहुँच जाते हैं। तो काफ़ी देर वेट करना पड़ता है, संडे का टाइम होता है, काफ़ी सारी भीड़ होती है मंदिरों में, तो सब उसी रास्ते से सबको जाना होता है, तो ऑटो जल्दी मिलती नहीं है। तो मैं और हमारे कुछ और डिवोटी फ्रेंड खड़े थे, तो ऑटो वाले को बोला, उन्होंने रोका नहीं भैया ने, चले बोले ना बोल दिया। फिर हम लोग चढ़ के चलो आगे चले जाते हैं पैदल, आगे से ऑटो मिल जाएगी, तो हम पैदल जाने लगे। फिर वही भैया आगे आए और कहे बैठिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग बैठ गए, तो हम लोग सब माला कर रहे थे क्योंकि माला बची थी हमारी, क्योंकि संडे के दिन काम भी बहुत ज़्यादा होता है तो माला कंप्लीट नहीं हो पाती। हम सोचे मंदिर जा रहे तो वहीं कर भी लेंगे इसी बहाने, तो हम लोग माला कर रहे थे, तो अचानक से उन्होंने बोला कि हरे कृष्णा। तो हम सब ने जवाब दिया हरे कृष्णा। तो उन्होंने बोला कि माता जी एक प्रश्न पूछाइए, बताइए कि सुख कहाँ मिलेगा। तो हम सबका जवाब एक ही था, किसी ने बोला कृष्ण में, ऑफकोर्स सबका जवाब था कि कृष्ण में मिलेगा, भक्ति में मिलेगा, और कहाँ मिल सकता है आज के टाइम में आपको सुख। हम फैमिली के साथ कितना भी टाइम आप स्पेंड कर लो, लेकिन वो एक कुछ समय के लिए आप खुश रहोगे, लेकिन फिर बाद में आप 10 मिनट मस्ती कर लोगे, आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट। फिर दोस्तों के साथ जाते हैं तो जितनी देर आप दोस्तों के साथ हैं सिर्फ उतनी देर आपको सुख मिलेगा, मोबाइल जितनी देर चलाते हैं उतनी देर आपको सुख मिलेगा, जिस चीज़ से आप जितनी देर चला यूज़ कर रहे हैं उतनी देर ही आपको उस चीज़ से सुख मिलेगा। लेकिन आपको परम सुख का आनंद तब होगा जब आप कृष्ण भक्ति शुरू कर देते हैं। जब तक आप कृष्ण भक्ति शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पे सुख आपको भौतिक चीज़ों से नहीं मिलने वाला है, आध्यात्मिक चीज़ों से ही सुख मिलेगा। ये मैं अपने हर ब्लॉग में कहती हूँ। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कहीं भी आप लंदन घूम के आ जाइए, लेकिन जब भी आप घर आएंगे और आप एकांत में बैठेंगे ना, तो आप तब भी आप यही चीज़ के बारे में सोचेंगे, अरे यार मेरे पास वो गाड़ी होती तो अच्छा था, अरे यार वो मेरे को मिल गया होता, वो पेपर, वो डॉक्यूमेंट या वो काम मुझे मिल गया होता तो कितना अच्छा था, उसको क्यों मिला। नकारात्मक सोच, जेलसी है ना, वो मेरे से आगे क्यों है, मैं उससे पीछे क्यों हूँ, वो उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये मेरे पास होना चाहिए क्योंकि ये मेरा हक बनता है ना, ये हम सबके अंदर होता है। हरी कृपा से मेरे अंदर इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है जब से मैं कृष्ण भक्ति कर रही हूँ। मैंने अपने लाइफ स्टोरी में बताया था कि कैसे हीरोइन से भक्ति तक का जो मेरा सफ़र रहा है, तो मैंने सारी बातें बताई थी। मैं अपना बात बताती हूँ कि मैं कैसे सुखी जीवन जी रही हूँ। पहले हम इस भौतिक चीज़ों से सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं है, ये कहीं से भी सुख नहीं है, ये आपको अपने जाल में फंसा लेगा और ऐसे फंसाएगा कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। जैसे आपको अगर पैसे की लालच है ना, तो वो आपसे हर खराब चीज़, हर बुरी से बुरी चीज़ वो आपको करवाने की क्षमता रखता है, माया देवी, इतना प्रभाव है। अगर आपको पैसे की जरूरत है आप क्या करोगे, ये कर लूँ क्या, अरे कर ले तो कहाँ किसी को पता चलेगा, ये कर लेता हूँ ये मेरे लिए सही रहेगा, है ना, वो काम उसको मिल गया ऐसा करता हूँ, मैं बॉस को इसकी चुगली कर देता हूँ तो वो काम मुझे मिल जाएगा। आपको मिल तो जाएगा, आप कर भी लेंगे, आपके पास धन भी आ जाएगा, लेकिन वो धन ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, वो काम ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, वो सुख ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। आप कभी भी इस चीज़ के बारे में नोटिस कीजिएगा कि आप जितनी भी इस भौतिक जगत से सुख इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ समय के लिए ही होगा, लेकिन अगर आप भक्ति शुरू कर देते हैं तो ये भक्ति तब तक, ये पता है भक्ति कैसे LIC पॉलिसी जैसा है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ये आपका ख़त्म होने वाला नहीं है। भौतिक जगत से सुख इकट्ठा करेंगे ना तो हम पाप और पुण्य दोनों अर्जित कर रहे हैं उसके साथ, मतलब हमारा पाप भी आ रहा है पुण्य भी दोनों आ रहा है, लेकिन आज के टाइम में पुण्य की जो प्रभाव शक्ति है वो कम है और पाप की अधिक ज़्यादा है, क्योंकि हमारे आचरण इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं आज के समय में कि हम कुछ भी कर रहे हैं जिसका हमारे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, जो हमें नहीं भी करना चाहिए।
अब बात आया कि मैंने उनसे पूछा किस चीज़ के आप दुखी हैं, स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस या ये सब चीज़ें, तो बोला कि हाँ मैडम घर बार है, बच्चे हैं, सब कुछ संभालना है। बिल्कुल है, सहमत है, परिवार के साथ अब छोड़ के जा तो सकते नहीं हैं, ऑफकोर्स ही बात है, अब उनकी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर ही है, हमें ही कमाना है, तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप कमा रहे हैं तो आप भक्ति कैसे करेंगे? देखिए, भक्ति के लिए एक समय आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप भक्ति के लिए समय नहीं निकालेंगे तो आप इस माया देवी के प्रभाव में इतने ज़्यादा फंस जाएंगे कि आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। रोज़ एक ही रूटीन चलेगी आपकी, मेरे को ये करना है, मेरे को ये काम करना है, यही भागम दौड़, सुबह ऑफिस जाना, सुबह भाग दौड़ते ऑफिस से आना, वही टेंशन, वही ये भरना है, ये करना है, वो करना है, पागल हो जाएंगे आप एक दिन। इतना ज़्यादा कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, फिर आप गुस्सा करने लगेंगे घर वालों पर, लड़ाई झगड़े करने लगेंगे, पैसे को लेकर किचकिच मिचमिच होगी, फिर नशा करने लगेंगे, दारू पीने लगेंगे, बहुत सारी चीजें करने लगता है ना लोग, टेंशन बहुत ज्यादा है इसलिए मैं दारू पीता हूँ। ऐसा कहाँ लिखा है कि भैया आप दारू पियोगे तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा? कहीं नहीं लिखा है ऐसा। तो भौतिक जगत में रह के आपको सुख कैसे मिलेगा? आप अपना काम कीजिए जो आप काम करते हैं। मैंने उनको बहुत सरल तरीका बताया कि देखिए, आप ऑटो चलाते हैं, आप बैठ के माला तो करना आपके लिए संभव नहीं है, जाहिर सी बात है। तो मैंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, जब भी आपको टाइम मिले, जब आपको लगे कि मैं फ्री हूँ इस वक्त, तो आप मन मन में आप जाप करना चालू कर दीजिए। कैसे? जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो मेरा मन में पढ़ते रहिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। कुछ खा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये मन से, फिर आपको धीरे धीरे वो मन आपको शुद्ध होते जाएगा। जैसे जैसे मन के अंदर भगवान का नाम आएगा ना, इसके अंदर जो गंदगी है ना, वो धीरे धीरे बाहर निकलती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके मन, आपके दिमाग में जितनी गंदगी यहाँ पे आपने दिमाग में भर रखी है ना, वो सारी गंदगी जब निकल जाएगी तो आप पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में आने के लिए तैयार है। फिर आपको समय निकालने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद समय देने लगेंगे अपने आप। ये शक्ति है नाम का, ये माला जाप की शक्ति है। मैं सबको कहती हूँ, कृष्ण भक्ति में अगर आपको आना है तो सबसे पहले आप नाम जाप चालू कीजिए। जब तक आप नाम जाप चालू नहीं करेंगे आप ठीक नहीं होंगे। दवाई में एंटीबायोटिक दिया जाता है ना ठीक होने के लिए, तो नाम जाप हमारा एंटीबायोटिक है। जब तक आप भगवान कृष्ण का नाम जाप नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आप सुख के पीछे पीछे भागे और सुख आपको पीछे पीछे भगाता रहेगा। और जैसे ही आप माला जाप करने लगेंगे, आपको सुख को ढूंढने की जरूरत नहीं है, सुख आपके पास खुद आएगा भागते दौड़ते आपके इर्द गिर्द। पता है क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले आपकी अपेक्षाओं को खत्म कर देगा। और जिस दिन आपकी अपेक्षा, लालच, क्रोध, मोह, माया सब नष्ट हो जाएगी, उस समय आपको सुख खुद मिलने लगेगा। आपको वो कहीं किसी के अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। एक बार आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और इस चीज़ को करके देखिए। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मन में लालच है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मन नहीं कर रहा है तो भी जाप करो, गुस्सा आ रहा है तो भी जाप करो, किसी को लेके लालच आ रही है तो भी जाप करो। नाम लो भगवान का, मन मन में लो, मन को इतना भगवान के अंदर लगा दो कि आपके दिमाग और आपके मन में किसी और चीज़, किसी और विषय के बारे में सोच आए ही ना। और जिस दिन ऐसा होने लगा आपको सुख की प्राप्ति होगी। और मैं ऐसा आपको ब्लैंक पेपर पे लिख के देती हूँ, 6 महीना हमारे प्रभुपाद जी ने भी कहा है, 6 मंथ का उन्होंने टाइम बोला। अगर आप 6 मंथ 16th round अगर आप डेली चैंट करते हैं सिंसियरली, तो आपको उसका प्रभाव दिखने लगेगा। मैं तकरीबन 1 साल से कर रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत सिंसियरली कर रही हूँ। मेरे अंदर अभी भी थोड़ा बहुत गुस्सा आता है मुझे बीच बीच में, हाँ, लेकिन मेरे में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। ये आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि माला जाप के बाद से मेरे अंदर क्या क्या बदलाव आया, ये नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। लेकिन आप ये ट्राई करके देखिए, जाप करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो मन मन में कीजिए, लेकिन कीजिए और आपको फ़र्क दिखेगा। तो तब वापस से आप मेरे ब्लॉग पर आइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको माला जाप की वजह से सुख की प्राप्ति हुई कि नहीं। और ये सुख हमेशा आपके साथ रहेगा, जब आप मरेंगे तब भी, और जब आप जीवित हैं तब भी, आपके पास कोई चीज़ नहीं है तब भी, कुछ है तब भी, सुख अनुभव जरूर करेंगे सिर्फ और सिर्फ हरि नाम से। तो एक बार मेरे साथ ज़रूर बोलिएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कमेंट में हरे कृष्ण महामंत्र जरूर लिखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राधे।